नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। अमिताभ बच्चन बिग बॉस सीजन 3 के होस्ट थे। उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि वो शो तभी ज्वाइन करेंगे जब उसमें कंटेस्टेंट गाली गलौज और बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। यह खुलासा एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो ने किया है। पूनम ढिल्लो बिग बॉस सीजन 3 की रनर अप रही थी। पूनम ने कहा कि वे खुद भी शो ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। उन्होंने दो बार शो के लिए मना कर दिया था। मेकर्स ने पूनम से बार बार शो ज्वाइन करने का निवेदन किया। काफी सोच विचार करने के बाद पूनम राजी हो गई। पूनम ढिल्लो ने एक बातचीत के दौरान कहा कि बिग बॉस में जाना मेरे लिए एक चुनौती के समान था। मेरे बच्चे भी नहीं चाहते थे कि मैं शो में हिस्सा लूं। उन्होंने कहा कि मॉम, बिग बॉस में वे लोग जाते हैं जो लूजर्स होते हैं या निगेटिव लोगों की भरमार होती है। मुझे पहला और दूसरा सीजन ऑफर हुआ था लेकिन मैंने मना कर दिया था। तीसरे सीजन में शो के मेकर्स दोबारा मेरे पास आए। पूनम ने आगे कहा, मेकर्स तीसरी बार भी आए लेकिन इस बार भी मैंने उन्हें मना कर दिया। तब उन्होंने मेरे से कहा कि हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि इस बार शो को अमिताभ बच्चन होस्ट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन जी, एक कंडीशन है कि शो में गाली गलौज और खराब व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वे शो ज्वाइन करेंगे। पूनम ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि शो में कंटेस्टेंट कौन कौन से आ रहे हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा, मेकर्स मुझसे बार बार यही कह रहे थे कि शो में अच्छे कंटेस्टेंट आ रहे हैं। उन्होंने मुझ पर शो ज्वाइन करने का दबाव बनाया। अचानक एक दिन मैंने सोचा कि बिग बॉस एक पॉपुलर शो है, इसे बच्चे भी देखते हैं। ये बच्चे शायद मुझे फिल्मों में नहीं देख पाए होंगे, इसलिए उनके साथ कनेक्ट होने का यह अच्छा मौका है। मुझे शो के जरिए दिखाना था कि आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, धीरज नहीं खोना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आसपास का माहौल खराब है तो हम भी खराब बन जाएं। इसी सोच के साथ मैंने शो के लिए हाँ बोल दिया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।